अनवारुल हक काकर पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम बन गए। अनवारुल हक काकर को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दे दिया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर की तकरीब हल्फ बर्दारी 14 अगस्त को होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अनवारुल हक काकर से निगरान वजीर आजम के ओहदे का हल्फ लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुशावरत से अनवारुल हक काकर के नाम पर इत्तेफाक किया था, जिसके मुश्तरका एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाई गई थी। अनवारुल हक काकर की तकरीरी की मंजूरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दी। पीपल्स पार्टी ने कमेटी के साथ मिलकर 5 नाम दिए थे। खुर्शीद शाह कहते हैं कमेटी ने सलीम अब्बास, जलील अब्बास, अब्दुल मालिक बलोच, अफजल खान का नाम दिया। अनवारुल हक काकर का नाम सेनेट से लिया गया। हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं थी, हमें इल्म नहीं था अनवारुल हक काकर का नाम सामने आ जाएगा, बेहतर होता हम किसी और शख्स का इंतखाब करते। जहां से भी नाम आया हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। इंतखाबात में ताखिर के खदशात तो पहले दिन से हैं। अनवारुल हक काकर शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने में कामयाब हुए तो उन्हें याद रखा जाएगा। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की रंगारंग तकरीब, माहौल हुबुल वतनी के जज्बे से सरशार। फजा पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंजती रही। रेंजर्स के स्पेशल दस्ते का शानदार परेड का मुजाहिरा। फौजी बैंड ने फनी सलाहियतों के जौहर से शुरका के दिल मोह लिए। पाकिस्तानियों के नारों की गूंज से भारतीय अहलकार की बंदूक गिर गई।